वेल अ वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है आपका हमारा आज के सेशन में. तो वीक की शुरुआत मंडे है आज, 17-18 अप्रैल का जो भी करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, हमारे चैनल का नाम एम्बिशियस बाबा है एज यूजुअल, जैसा मैं आपको बताती हूँ. और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे जब भी हमारी क्लासेस लाइव होती, ना सिर्फ करंट अफेयर्स की बल्कि ऑल अदर्स और भी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी. ठीक है, आप जाते हैं और जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस भी होती हैं हमारे यहाँ. चलिए देखते हैं, सोनेमा एंड राहुल गुड मॉर्निंग. चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत कर लेते हैं. तो रोजाना की तरह शुरुआत में हम बात करेंगे हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन की. एंड आई गेव यू वन क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन, लेट्स सी. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिमाचल डे, हिमाचल दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है. आई होप माई वॉइस इज क्लियर. चलिए तो किस दिन को मनाया जाता है ज़रा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. ठीक है, तो जो लोग आंसर्स जिन्होंने दिए थे वो हैं वली, सुशांत, राहुल, सोनेमा, शिवम, एरन और राजू. ठीक है, तो इन लोगों ने आंसर्स दिए थे जिनके आंसर्स बिल्कुल सही थे. और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आंसर ज़रूर दिया करिए, मुझे भी पता चलता है कौन कौन सेशन देखता है और हम लोग कनेक्टेड रहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो हिमाचल डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को. शायद मैंने उधर बताया नहीं है ना, तो चलो बता देती हूँ यहाँ पे. एक सेकंड रुको भाई. हाँ, तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन डे. इस दिन ये पूर्ण रूप से राज्य के रूप में इसे कंसिडर किया गया था. मंडी, चंबा, महासू, सिरमौर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इस तरह के और कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें मिला के 1948 में इसे यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था. और आगे चल के 1971 में इसे 18 स्टेट ऑफ द कंट्री का दर्जा दिया गया था और शिमला इसकी कैपिटल है, इतना तो सबको पता ही है. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. और जैसा कि आप देखते ही हैं, बताया मैंने 1948 में इसे इंडिया में ऐड किया गया था एज अ यूटी. यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, जय राम ठाकुर. वली गुड मॉर्निंग. चलो आगे बढ़ते हैं. और यार हिमाचल प्रदेश के बारे में छोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं. ठीक है, क्या है हिमाचल प्रदेश के बारे में आज हमारे पास. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है शिमला, धर्मशाला इसकी दूसरी कैपिटल है, इसे विंटर कैपिटल भी कहा जाता है. इसका फॉर्मेशन 25 जनवरी 1971 को हुआ था. यहाँ पे होना चाहिए 15 अप्रैल होना चाहिए, आई थिंक ये कुछ मिसप्रिंट है. चलो आगे बढ़ रहे हैं. एरिया की बात करें तो 18th रैंक है इसकी. और अगर हम रैंक क्षेत्र के अनुसार और पॉपुलेशन की बात करें तो 21वीं रैंक है इसकी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और अगर हम बात करें किसकी, हिमाचल प्रदेश की ही, तो हिमाचल प्रदेश में यमुना, घग्गर, ब्यास, सतलुज और चेनाब रिवर्स यहाँ पे बहती हैं. डैम्स यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट हैं. भाकरा डैम सतलुज रिवर पे है बिलासपुर में, पोंग डैम ब्यास नदी में है, चमेरा डैम रावी नदी में है. ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम यहाँ का बहुत फेमस है. ठीक है, यहाँ के जो क्या कहते हैं नेशनल पार्क्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क. ठीक है, और यहाँ के जो फोक डांसेज हैं वो है नाती, किनौरी, नाटी, नामगेन डांस, झली, महासू और नांगी नृत्य. ठीक है, तो ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ छोटा मोटा स्टैटिक जिसे आप पढ़ सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन. या यू कैन से फर्स्ट क्वेश्चन जिसे आप पढ़ेंगे और आंसर देंगे, जरा मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए. हाँ जी, पढ़ो जरा क्या है. पीएम नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली डेडिकेटेड टू द नेशन 200 बेड के पाटिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन डैश. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डैश में 200 बिस्तरों वाले के पाटिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित किया है. भुज गुजरात, भावनगर गुजरात, आनंद गुजरात, पोरबंदर गुजरात या गांधीनगर गुजरात. तो ये तो सबको पता है, मोदी जी गुजरात में किया है उन्होंने. ये कहाँ किया है ये आपको मुझे बताना है. तो राहुल, सोनेमा एंड वाली देखते हैं, द राइट आंसर इज ए. ए बोले तो भुज.
ठीक है, तो भुज गुजरात में ये अनावरण किया है। अभी कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में बात करेंगे हम। तो भुज का में ये के पाटिल हॉस्पिटल को अनावरण किया है। भुज जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, 200 बेड का है ये, आपकी इसमें सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इसे बिल्ड किसने किया है? श्री कच्छी लेवा पाटिल समाज भुज का जो है, उन्होंने इसे बनाया है। और अपनी तरह का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इस रीजन का, जो कि सोल्जर्स, पैरामिलिट्री पर्सनल्स, ट्रेडर्स और लोगों को क्या करेगा, अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, चलो कहीं तो हो रहा है ना, सबसे मेन चीज। और इसकी बात भी कर लें, ये भी अभी न्यूज में कल आपने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी हैज अनवील 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन मोरबी इन विच स्टेट ऑफ हनुमान जयंती। पीएम नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती पर किस राज्य के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल। चलिए बात कर लेते हैं कहाँ, पता ही है आपको कहाँ किया है उन्होंने। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मोरबी जो है ये आपका है गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी की 108 फीट की ये स्टैचू का अनावरण किया, मतलब इतने स्टैचूज बना दिए हैं। चलो बात कर लेते हैं इसकी इसकी स्पेशलिटी क्या है। पहली बात, 108 फीट की है, लॉर्ड हनुमान जी की है, मोरबी गुजरात में है, हनुमान जयंती पे किया, हनुमान जयंती तो ऐसे ही इतना फेमस हो गया। इसके अलावा ये अपनी तरह का दूसरा स्टैचू है जो कि बनाया जा रहा है। अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट है, हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट, जिसमें कहा गया है कि जो भारत की चारों दिशाएं हैं उनमें हनुमान जी की जो स्टैचू है उसका अनावरण किया जाएगा। तो ये दूसरा है, दूसरा है। तो पहला कहाँ सेटअप किया गया है? पहला किया गया है झाकू हिल्स, जो कि नॉर्थ शिमला में है, 2010 में बनाया गया था, और इसे राजस्थान के जो कारीगर हैं उन्होंने बनाया था। पहला ये था, दूसरा ये गुजरात मोरबी वाला है, और तीसरा रामेश्वरम में बन रही है मूर्ति, जो कि बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर कैपिटल है, गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है, और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और गुजरात में इतना काम हो रहा तो नंबर वन में भी आ गया है कई लिस्ट में, है ना, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। चलो देखो जरा अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो लोग जो अभी अभी आए हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ें। अकॉर्डिंग टू द इवैल्यूएशन मेड एट अ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सीडेड इट्स असेट मोनेटाइजेशन टारगेट ऑफ डैश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक पर किए गए मूल्यांकन के अनुसार केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2012 के लिए अपने संपत्ति मुद्राकरण लक्ष्य डैश को पार कर लिया है। 10,000 करोड़, 25,000 करोड़, 52,500 करोड़, 88,000 करोड़, 96,000 करोड़। तो भैया जो टारगेट था, टारगेट को पार कर लिया है, ठीक है, और कितना अचीव किया है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2012, हाँ, 2012 कैसे हो सकता है, 2022 है बाबा, के लिए अपने संपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य डैश को पार कर लिया है। चलो बात करते हैं क्या है कितना, आओ बात करें। डी डी बोले तो हाँ जी, 96,000 करोड़ कितना था ये भी देख लेंगे। तो फिलहाल पार करके कितना कर लिया है, एक सेकेंड, हाँ जी, कर लिया है आपका 96,000 करोड़ हो गया, इतना अचीव कर लिया है। और टारगेट कितना था, टारगेट था 88,000 करोड़ का, 22 के लिए था, लेकिन हमने अचीव 96,000 कर लिया है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन है कुछ सेक्टर्स का, रोड, पावर, कोल, मिनरल माइनिंग, जिसकी वजह से ये हमारा जो असेट मोनेटाइजेशन है ये टारगेट अचीव हुआ, बल्कि उसको पार कर गया है। अगले साल का जो टारगेट है वो भी देख लो कितना है, अगले साल का टारगेट है 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, 23 के लिए। चलो अगला क्वेश्चन, आओ पढ़े क्वेश्चन, आओ कौन है भाई,
Which organization has announced to launch national data and analytics platform? पहली बात इसका फुल फॉर्म याद करना है. To provide government data in a user friendly format, providing data driven decision making and research. किस संगठन ने data संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को बढ़ावा देने, उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में सरकारी डेटा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषिकी मंच लॉन्च करने की घोषणा की? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप सिडबी कहते हो, फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग. आओ देखें जरा कि क्या कह रहा है एक क्वेश्चन. एक सेकेंड जरा दो, मुझे बताती हूँ जरा मैं इसका आंसर आप लोगों को. हाँ जी, क्या लिखा है हमारे क्वेश्चन में कि ये किसने लॉन्च किया है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म. तो ये नाम से ही पता कुछ कुछ चल रहा है. द राइट आंसर इज बी, नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है. इसके बारे में बात कर लेते हैं जरा जल्दी से. तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है मई में, इसको लॉन्च करेगा मई में. और ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट डेटा को यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में ताकि प्रमोट किया जा सके डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और रिसर्च को. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये दो, इसमें 200 डेटा सेट्स होंगे जो कि 56 मिनिस्ट्रीज के होंगे जिसे लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च करने के टाइम पे प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आसानी से जो इसके यूजर्स हैं वो इन मिनिस्ट्रीज का ये डेटा क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, देख सकें. ठीक है, चलिए नीति आयोग की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग ने एक लिस्ट जारी की थी, याद करो, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड वन, जिसमें गुजरात ने टॉप किया था. वही मैं कह रही थी ना, गुजरात कई चीजों में टॉप भी हो गया है. सेकेंड नंबर पे केरला था और थर्ड नंबर पे पंजाब था. तो ये कुछ स्मॉल और स्मॉल स्टेट्स वगैरह का भी है, देख लेना, याद कर लेना. फिलहाल मैं बता चुकी हूँ, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी. हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है. चेयरपर्सन इज ऑलवेज योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. वाइस चेयरपर्सन इज राजीव कुमार और सीईओ का नाम है अमिताभ कांत. तो ये दोनों नाम भी याद होने चाहिए. गुजरात ने टॉप किया इसमें. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन तो छोटा मोटा रिविजन भी बहुत जरूरी है. ठीक है, कोशिश करते हैं एक से दो दिन पहले हमने क्या पढ़ा वो रिवाइज भी कर ले. फिलहाल अगला क्वेश्चन पढ़े एंड वन ऑफ दी क्या लिखा है, अच्छा हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन मोर अचीवमेंट इन द बकेट ऑफ इन द बास्केट ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंडिया है ना. इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द विच मेजर बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक कहते हैं इसको. ठीक है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के किस प्रमुख निकाय के लिए चुना गया है. अब ये जितनी ये सारे ऑर्गन्स हैं इकोसॉक के, इनमें से किसके लिए चुना गया ये आपको बताना है. द कमिटी ऑन इको इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास आयोग, द कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, द कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठनों पर समिति, या ऑल ऑफ दी अबव. चलो बात करते हैं. तो राहुल, सुनिमा एंड वाली के आंसर्स आ रहे हैं. आज सुशांत नहीं दिख रहे हैं ना, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लें. चलो देखते हैं. देखे ई ई ई का मतलब ऑल ऑफ द अबव, यानी इकोसॉक्स के सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका मेंबर बन गया है भारत. ठीक है, आओ बात कर लें जरा जल्दी जल्दी. तो चार ये अंग हैं जिनका बन गया है भारत क्या मेंबर बन गया है, जिसमें कमीशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट भी है. अगर हम बात करें तो इकोसॉक की, तो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है यूनाइटेड सिस्टम का, जिसका जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंतर्गत. आगे बढ़ते हैं. इसके इसमें 54 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिन्हें इलेक्ट किया गया है जनरल असेंबली के द्वारा. आगे बढ़ रहे हैं. अगर हम बात करें जो कमिटी है आपकी, कौन सी वाली कमिटी, फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, इसमें एम्बेसडर कौन है, प्रीति सारान. तो इन्हें दोबारा से री इलेक्ट किया गया है, प्रीति सारान को दोबारा से री इलेक्ट किया गया है एम्बेसडर इस कमेटी का. तो दोबारा का मतलब पहली बार कब बनी थी, 2018 में इन्हें इलेक्ट किया गया था एशिया पैसिफिक सीट के ऊपर
यूनाइटेड नेशंस की ये जो कमेटी है ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसके अलावा 1 जनवरी को इनका पहला टेन्योर क्या हो गया था, शुरू हो गया था, ठीक है, नियुक्ति हो गई थी पर टेन्योर इनका 1 जनवरी को शुरू हुआ था। ये चार अंग है, मैंने अभी नाम आपको बता ही दिए, ठीक है, कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, ये 4 बॉडीज हैं जिनमें भारत इलेक्ट हुआ है। अब इकोसॉक की बात करें, इसका फॉर्मेशन हुआ था, आई थिंक दिख रहा है 26 जनवरी 1945 को कंस्ट्रक्शन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क US में है, न्यूयॉर्क सिटी US में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में भी इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इकोसॉक के 4 बॉडीज में हुआ है भारत का क्या, भारत को ऐड किया गया है एज अ मेंबर। अगला क्वेश्चन, चलो, तो इंडिया ग्लोबली बहुत ही स्ट्रांगली अपना मत देने लगा है, अपना जो कह लीजिए अपने स्टेटमेंट्स देने लगा है बिना डरे हुए, है ना। तो 20th edition ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक्स हेल्ड इन डैश, भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता का 20वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया है, मुंबई, पेरिस, लियोन, न्यू दिल्ली एंड नाइस, नीस कहते हैं इसको, नाइस नहीं कहेंगे इसे। चलो, तो ये कुछ सिटीज़ हैं भारत और फ्रांस की, और इनमें से कहाँ पे ये 20वां एडिशन ये जो जॉइंट टॉक का हुआ है, ठीक है, तो बात कर लेते हैं। इंडिया और फ्रांस का ये है 20वां एडिशन, चलो देखें ज़रा, तो कहाँ किया गया है। हाल फिलहाल में काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं, बार बार कहती हूँ यार टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाया करो, थोड़ा डेट वाइज भी और कुछ टॉपिक वाइज भी, मीटिंग्स का अलग, बुक्स का अलग आपका, ठीक है, इंडेक्स का अलग, तो थोड़ा सा आपके पास अपने खुद के नोट्स हो जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इट्स पेरिस, ठीक है, पेरिस में हुआ है फ्रांस, इंडिया फ्रांस का ये जो जॉइंट स्टाफ टॉक है पेरिस में आयोजित किया गया है। अच्छा, इसमें फोकस किस पे किया जाएगा, जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों के मध्य, जो भी डिफेंस से संबंधित जो भी तालमेल चल रहा है उसको बढ़ाने और इम्प्रूव करने के लिए बात किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो पेरिस में आयोजित किया गया, इतना तो हो ही गया। चलो एक और आ जाते हैं, वन मोर डायलॉग या मीटिंग जो कि हो रहा है, तो ये कौन 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 सा है, 4th edition है, 4th edition है US इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का, जो कि कहाँ आयोजित किया गया आपको बताना है। 4th US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, ये कहाँ कहाँ आयोजित किया गया है, न्यूयॉर्क US, जेनेवा स्विट्जरलैंड, मुंबई इंडिया, ग्लासगो स्कॉटलैंड, वॉशिंगटन DC US। आप देखते हो हम सिटी के साथ कंट्री भी लिखते हैं, क्यों, ताकि आपको पता चले कि वो कौन से देश में है, ठीक है। तो एक कुछ भी छोटा मोटा जो भी आप देखते हो थोड़ा माइंड में आपके रहता है ना। तो क्वेश्चन का आंसर देखें क्या है भाई, ये US वाला, ये तो इस समय छाए हुए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, है ना, हाँ बात कर लेते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन है जी। ई बोले तो वॉशिंगटन DC US, ठीक है, तो जाहिर सी बात है US का ही कोई, US या भारत का ही कोई शहर होगा जहां ये आयोजन हो रहा है। तो भैया इसमें देखो पहली बात क्या क्या चीजें करी है, 4th edition है ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का जो वॉशिंगटन DC में हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या नाम है उनका, एंथनी जे बिल्किन, और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस क्या नाम है उनका, लॉयड जे ऑस्टिन III। इन्होंने हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनको वेलकम किया यहाँ पे, ठीक है। मोदी जी ने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया और जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने भी वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया है, और 75 ईयर्स भारत और US के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको भी हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है। और इसमें आई थिंक बहुत ही स्ट्रांगली जयशंकर ने अपना पॉइंट रखा है, रशिया को जो हम सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि सपोर्ट क्या, हम न्यूट्रल है रशिया के स्टैंड पे, ठीक है। तो बहुत ही कहते हैं स्ट्रांगली उन्होंने प्रेजेंट किया है इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें वो क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है एनर्जी या ऑयल रशिया से, ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत की है। इसके अलावा दुख भी जताया है, चिंता जताई है अबाउट ह्यूमैनिटेरियन
ग्राउंड्स पे, जो कि यूएस में आप जानते हैं कुछ कुछ नहीं, हमारे यहाँ इंडियंस के ऊपर काफ़ी हमले हो रहे हैं, तो उसकी भी चिंता जताई। इसके अलावा इस मीटिंग में जो यूक्रेन में आपदा आई है उसके बारे में भी बातचीत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन वाई आई एम फोकसिंग की, मतलब ये जो इनका डायलॉग है एस जयशंकर का, बिकॉज सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, अभी कई ऐसे आपके एग्जाम्स हैं जिनमें आपको डिस्क्रिप्टिव मिलता है, तो इस तरह के इफ़ यू आर मैंशनिंग सच पॉइंट, सच स्टेटमेंट्स, तो वो बेहतर बनाते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव को। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो, पढ़ो, देखो क्या चल रहा है मार्केट में, न्यूज़ में। फिलहाल ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ थ्री पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, दिस विल अलाउ फॉर अ कैपिटल इनफ्लो ऑफ 5,000 करोड़ इन द बिजनेस, द परमिटेड कैपिटल फॉर नेशनल इंश्योरेंस विल बी नाउ। अब कितना तक परमिटेड है ये आपको बताना है। अच्छा, हिंदी में तो पढ़ ही देते हैं। सरकार ने तीन सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की है, इससे रुपए की पूंजी प्रवाह की अनुमति होगी। इन व्यवसायों में 5,000 करोड़ राष्ट्रीय बीमा के लिए अनुमति पूंजी अब डैश होगी। ठीक है, चलो देखते हैं कितना होगा। 5,000 करोड़, 7,500 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़। चलो बात करते हैं कितना। एक सेकेंड, कुछ सेकेंड दीजिए मुझे, इसके बारे में बात कर लें ज़रा। तो द राइट आंसर इज डी, डी बोले तो 15,000 करोड़। चलो बात कर लें इसके बारे में। तो भाई गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया शेयर कैपिटल तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, कौन सा? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और अगर इनकी बात करें तो दे हैव हैड देयर ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट, और ये अलाउ करेगा कितना कैपिटल इनफ्लो, अब 5,000 करोड़ बिजनेस में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो टोटल परमिटेड कैपिटल है नेशनल इंश्योरेंस में, अब कितना हो जाएगा? 1,500 करोड़, यानी फेस वैल्यू जो एक शेयर की होगी वो 10, फेस वैल्यू होगी 10 अपीस होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा कितना? 7,500 करोड़। ठीक है, और पहले कितना था? 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ से 7,500 करोड़ हो जाएगा। ऐसा ही यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ मेन ये याद रखना है, तो कितना कर दिया है? 15,000 करोड़ कर दिया है। ठीक है, कहाँ गया ये रहा, 15,000 करोड़ कर दिया है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। यस, चलो एक और क्वेश्चन, और आई थिंक इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया क्योंकि अब तो ये आपको याद हो गया है ना। विच कंपनी हैज बिकम एन ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम, कौन सी कंपनी प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गई है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे या भारत पे? तो कौन सी फिनटेक कंपनी आपको मुझे बताना है। ठीक है, अरे वाह, आंसर्स आ गए हैं। चलो देखो देखो क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्योंकि अक्सर हम इसके बारे में बात करते हैं और आपको याद हो चुका है ये क्वेश्चन। तो गुड मॉर्निंग शैलजा, चलो देखें बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, कुछ सेकंड्स और इसका आंसर देते हो। सोनमा, वली, राहुल लगातार आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड। आओ देखें जरा, MGR का आंसर आया, चलो देखते हैं। द राइट आंसर इज सी, सी बोले तो पेटीएम। ठीक है, तो पेटीएम इज द राइट आंसर। तो अब इतना तो याद हो ही गया है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और यू कैन से प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, जो कि बहुत जल्द लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। भारत के जो 14 प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको सम्मानित करते हुए। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें तो पेटीएम बन गया है ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर जो कि इस म्यूजियम का होगा। ये ऑफर करेगा पेमेंट गेटवे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन्स और QR कोड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ताकि सुपर फास्ट और कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस किए जा सकें। आगे बढ़ते हैं, लोगों के लिए ये अप्रैल 21, 2022 को खुल जाएगा। ठीक है, और ये अपनी तरह का पहला स्टेडियम होगा, स्टेडियम कह रहे हैं, म्यूजियम होगा जिसमें भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ रखा जाएगा। ठीक है,
मोदी जी ने पहला टिकट म्यूजियम का परचेज किया, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पहला टिकट किसने खरीदा। म्यूजियम की कॉस्ट कितनी है, 271 करोड़ की लागत से बनाया गया। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब ये जानो इसे बनाया कहाँ गया। तीन मूर्ति स्टेट आप जानते ही हैं, जो कि एक ज़माने में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का क्या था, आवास था, और यू कैन से इट वॉज द हाउस ऑफ नेहरू जी फॉर अराउंड 16 ईयर्स, 16 साल तक वो यहाँ रहे थे, और उनकी मृत्यु के बाद इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। ठीक है, तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी कहा जाता था, फिलहाल इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है, एंड आप जानते हो क्यों कर दिया गया है ना। चलो अगला क्वेश्चन, तो काफ़ी चीज़ें मैंने इसके बारे में बता दी हैं, और ये क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका एग्जाम में। फिलहाल हम इस क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, वो मोदी जी का कुछ और है क्या? नहीं नहीं मोदी जी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अवार्ड है यहाँ। विच स्कीम हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर द इनोवेशन जनरल सेंट्रल कैटेगरी। बात करें इनोवेशन सामान्य केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है? पीएम मुद्रा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्टैंड अप इंडिया, उड़ान स्कीम। चलो देखो कौन है। देखो 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 कौन सी स्कीम को दिया गया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर द इनोवेशन जनरल सेंट्रल कैटेगरी। तो सही उत्तर है उड़ान। ठीक है, उड़ान तो आप जानते ही हैं, उड़ान स्कीम सिविल एविएशन मिनिस्टर नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है उसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, जिसे उड़े देश का आम नागरिक भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है उड़ान का। ठीक है, और इसे प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 इनोवेशन जनरल सेंट्रल कैटेगरी में प्रोवाइड किया गया है। किस लिए किया गया है? क्योंकि इसने इम्फेसाइज किया गुड गवर्नेंस, क्वालिटेटिव अचीवमेंट। ठीक है, मतलब क्वालिटी बेहतर रखना, ना कि क्वान्टिटी बढ़ाते जाना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक ट्रॉफी होगा, एक स्क्रोल होगा, और एक इंसेंटिव होगा 10 लाख रुपए का इस अवार्ड के अंतर्गत। ठीक है, तो अगले पिछले 5 सालों में 415 उड़ान रूट्स का स्थापना की है इस स्कीम ने, और कनेक्ट किया है 66 अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और लगभग 92 लाख पीपल्स को क्या मिला है, बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। उड़ान उड़े देश का हर नागरिक, किसका फुल फॉर्म है? सिविल एविएशन मिनिस्टर, क्या नाम है भाई? ज्योति राजे सिंधिया। ठीक है, काफ़ी बढ़ चढ़ के कार्य कर रहे हैं, देखते हैं। अगर आपको याद होगा ऑपरेशन गंगा, उसमें भी ये आगे बढ़ के इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मेडिसिन फ्रॉम स्काई करके, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया इन्होंने। इसके अलावा एग्रीकल्चर में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री काफ़ी काम कर रही है। आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल, ज्योति राजे सिंधिया। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। Which country has successfully tested a new laser missile defense system named Iron Beam? किसका है जी? किस देश ने Iron Beam नामक एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसराइल, अफगानिस्तान, लेबनान, जर्मनी या रशिया? देखो जरा कौन है ये? कौन है भाई आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसका है ये? तो ए बोले तो इसराइल का है। ठीक है, ये भी अपनी तरह की अनोखी कंट्री है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो बात करते हैं न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। तो ये लॉन्च, जिसका नाम क्या, आयरन बीम, जिसे इसराइल ने लॉन्च किया है। अब ये क्या कर सकता है? इंटरसेप्ट यानी भेद सकता है, मतलब मार सकता है कई तरह के एरियल ऑब्जेक्ट्स, यानी हवा में अगर उसका टारगेट है तो वो इस मिसाइल के इस्तेमाल से उसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। रॉकेट्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने इस सिस्टम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं,
आयरन बीम को डेवलप किसने किया, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। गाइज ये नाम जान लो, एक तो आप जानते हो राफेल विमान है जिन्हें हमने खरीदा है किससे, फ्रांस से, कि एक कंपनी है डसॉल्ट इंटरनेशनल से, ठीक है। अब यहाँ ये जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है, यहाँ राफेल यहाँ पे ये कंपनी है, ये किसकी, इसराइल की एक कंपनी भी है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपनी तरह का दुनिया का पहला एनर्जी वेस्ट वेपन सिस्टम है, जो कि क्या करता है, लेज़र का इस्तेमाल करता है जो यूएवीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में, रॉकेट्स और मॉर्टर्स को। इसके अलावा एट 3.50 पर शॉट, $3.50 पर शॉट इसका खर्चा है। अरे सही है। आओ इसराइल की बात करें, जेरूसलम इसकी क्या है, आपकी कैपिटल। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, आइजैक हर्जोग, लास्ट ईयर ही अपॉइंट हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेफ्तली बेनेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बहुत कम कॉस्ट पे ये बनाया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आओ बात करें, कौन सी टीम ने जीता है, विच टीम हैज वॉन मेन्स टाइटल एट 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुष का खिताब किस टीम ने जीता, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। चलो बढ़े आगे और पढ़े अगला क्वेश्चन और इसका ले आंसर, सेशन को लाइव भी कर लीजिएगा बीच में। तो वली सुनिमा, राहुल और लोग जो देख रहे हैं, जरा देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। द राइट आंसर इज ई, बोले तो तमिलनाडु, ठीक है। तो स्टालिन साहब का स्टेट है ये, एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे। और आगे बढ़े हैं, अगर हम बात करें, तमिलनाडु ने हराया है जो चैम्पियंस हैं पंजाब को फाइनल में, और ये 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप जीत ली है। अगर हम बात करें जो इंडियन रेलवे की जो टीम है महिलाओं वाली, उन्होंने फीमेल्स वाला टाइटल जीता है तेलंगाना को हरा के, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें इसी की, तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है इस चेन्नई, एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर आर एन रवि हैं, बास्केटबॉल चैंपियनशिप। चलो आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। हामिश बेनेट हैज अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही प्लेड फॉर विच कंट्री। हामिश बेनेट क्रिकेट से कभी प्रारूपों से संन्यास ले रहे हैं, वो कौन से देश से खेलते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। तो रिटायरमेंट ले रहे हैं क्रिकेट से, देख ले जरा इनका देश कौन सा है। द राइट आंसर इज ए, बोले तो न्यूजीलैंड से हैं ये, इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो 35 साल के न्यूजीलैंड के कहाँ गए, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं जो रिटायरमेंट ले रहे हैं 17 साल के अपने करियर के बाद, ठीक है। और ये इनका लास्ट सीजन है, अक्टूबर 2010 में इन्होंने पहली बार खेला था न्यूजीलैंड के लिए वन टेस्ट में। 19 वनडे इंटरनेशनल खेल चुके हैं, 11 2020 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, 33 विकेट लिए थे ओडीआईज में और 10 विकेट लिए हैं टी20ज में। न्यूजीलैंड के लिए ये खेलते हैं। और अभी अगर इनकी बात करें हाल फिलहाल में, तो टी20 में बांग्लादेश, मीरपुर और पाकिस्तान में जो सितंबर 2021 में जो आयोजन हुआ था टी20 का, उसमें न्यूजीलैंड के की तरफ से खेले हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज अनवील द लोगो ऑफ 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ उड़ीसा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2023 से FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है। 2023 FIH
कहाँ गया? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा के किस शहर में किया जाएगा? ये आपको मुझे बताना है कि शहर में किया जाएगा, ठीक है? रौरकेला, भुवनेश्वर, कटक, पुरी या बोध, ए एंड बी। चलो बात करते हैं। तो नवीन पटनायक साहब हॉकी से काफ़ी आई थिंक इनका लगाव है, और हमारी जो हॉकी टीम को है इन्होंने ही स्पॉन्सर किया था अभी जब टोक्यो ओलंपिक्स में गई थी, ठीक है? और इसकी वजह से टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था हमारी हॉकी टीम ने, ठीक है? 40 ईयर्स के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स के बाद इंडियन हॉकी टीम ने कुछ किया, ठीक है? भारत का नेशनल गेम है हॉकी, ठीक है? इसके अलावा पटनायक जी ने कहा अगले 10 सालों तक वो ये स्टेट क्या है स्पॉन्सर करेगा हॉकी को। आई थिंक 2018 से स्पॉन्सर कर रहा है। चलो बात कर लेते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर की। द राइट आंसर इज ई। ई बोले तो ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यानी रौरकेला और भुवनेश्वर दोनों में का आपका अगर हम बात करें तो। अरे वाह, तो राहुल और सुनिमा दोनों उड़ीसा से हैं, वेरी गुड। चलो देखते हैं, ज़रा बात करते हैं। तो आपका ये पहली बात लोगो अनवील कर दिया है इसका हॉकी वर्ल्ड कप का, कहाँ पे किया है? कलिंग स्टेडियम, जो कि भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर जो कि कैपिटल है उड़ीसा की, दो सिटीज़ भुवनेश्वर रौरकेला में किया जाएगा। कब से कब तक? जनवरी 13 से 29 तक, 23 में किया जाएगा। तो 23 में कई आयोजन भारत में हो रहे हैं, मैंने कल या परसों भी आपको बताया था ये, आई मीन लास्ट क्लास में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार दूसरी बार आयोजन कर रहा है, 2018 में पहली बार किया था, ठीक है? उसके बाद कोरोना आ गया था तो फिर नहीं हुआ था। 15वां ये एडिशन है, ये भुवनेश्वर और रौरकेला में होगा, यानी 15th एडिशन होगा इंडिया के लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम में। क्या नाम है उसका? न्यू बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि रौरकेला में, ये भी पता होना चाहिए। इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बिरसा मुंडा न्यू स्टेडियम बना है आपका, क्या पूछा है मैंने आपसे? अच्छा, नेशनल फायर सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, 11, 12, 13, 14, 15, बताओ जरा कब? तो नेशनल फायर सर्विस डे बात कर लें, डीडी बोले तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कई डेज हमने 14th अप्रैल को डिस्कस किए थे, ठीक है? तो नेशनल सर्विस डे इस वर्ष 71st फायर सर्विस, माफ कीजिएगा, नेशनल सर्विस डे की अगर हम बात करें तो 71 जो फायर सर्विस पर्सनल्स हैं उनकी याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी जब मुंबई में एक्सप्लोजन हुआ था, याद करिए, मुंबई डॉकयार्ड में, अप्रैल 14, 1944। इसीलिए ये डेट क्या की गई है, डिसाइड की गई है इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है? अगर वर्ल्ड वॉर टू की बात करें तो इस दौरान एक बहुत बड़ा फायर एक्सप्लोजन हुआ था अप्रैल 14, 1971 को, में ब्रिटिश फ्राइटर SS स्कॉट स्टाइन या विक्टोरिया डॉक पे, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था बॉम्बे पोर्ट में, जिसमें 71 फायर फाइटर्स क्या है उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। इसी वजह से 14 अप्रैल डिसाइड किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, इस वर्ष का थीम क्या है? लर्न फायर सेफ्टी, इंक्रीज दिस ईयर्स प्रोडक्टिविटी। चलो आ जाते हैं हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन के ऊपर। सेव द एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। हाथी बचाओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? एलिफेंट, ठीक है? अगर हम बात करें तो आप जानते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो हम ऑप्शंस पहले देख लेते हैं फिर बात करेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है? तो एलिफेंट्स के संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आप जानते हो एलिफेंट्स का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, मतलब और उनके संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, ठीक है? ट्रीज कट कर रहे हैं जिसकी वजह से
जो ये ह्यूमन कॉलोनीज में कई बार अटैक भी कर देते हैं, बट डिलिबरेटली नहीं करते हैं. आप उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करोगे तो वो कहाँ जाएंगे, है ना. चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो गाइज, दिस वॉज द सेशन. आपको सेशन को लाइक और शेयर भी करना होता है. और अगर हम बात करें तो हमारा, हाँ जी, तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे अभी हम थोड़ी देर में, ठीक है. आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे, ज़रूर जुड़िए. test.ambitiousbaba.com हमारी वेबसाइट है. और अभी भी अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट मैं आपको अपडेट्स देती रहूँ, ठीक है. मिलेंगे हमारे अगले सेशन में. इनकेस कोई रिक्रूटमेंट आता है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करनी है तो दिन में दोबारा मिलेंगे, नहीं तो कल रोज़ाना की तरह 8 बजे, ठीक है. तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए.